74 साल के बाद देश में चीते वापस आ रहे हैं, यानी चीतों का विकुनबा भारत में बसने जा रहा है, जिसके लिए एक स्पेशल विमान नामीबिया गया है। मुगल, राजपूत और मराठा साम्राज्य, इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल। ये तीन नाम हमने क्यों लिए? ये तीन नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपको ये पता चल सके कि चीतों का इतिहास क्या रहा और उसके बाद चीतों के लुप्त होने की वजह क्या रही। इनमें से किसी भी समय चीतों के लिए भारत सही जगह नहीं था। ज्यादा शिकार, रहने की कमी, इन दोनों वजहों से चीतों की संख्या सबसे ज्यादा कम थी और कम होती चली जा रही थी। 20वीं सदी की बात करते हैं, जहां एशियाटिक चीता इसराइल, अरब प्रायद्वीप से ईरान तक, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक रहते थे। यहां तक कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु, त्रिनवली जिले तक देखे जाते थे। पर जिस साल देश आजाद हुआ, उसके एक साल के भीतर देश के आखिरी तीन चीते भी खत्म कर दिए गए, यानी उनका शिकार हो गया। चीतों का इतिहास बेहद पुराना है और आज एक बहुत खूबसूरत खबर ये है कि 74 साल के बाद चीतों को देश लाया जा रहा है। चीतों की हत्या छत्तीसगढ़ के एक राजा ने की थी। जो आखिरी चीते भारत में बचे थे, यानी वो तीन चीते थे जिसकी हत्या छत्तीसगढ़ के एक राजा ने कर दी, यानी उनका शिकार कर डाला था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजा महाराजा चीतों का शिकार करते थे, उनके शिकार को अपनी शान समझते थे और बहादुरी का प्रतीक मानते थे। हालांकि आम तौर पर हिरणों का भी शिकार होता था। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन समय का पहला शासक था जिसने चीतों को पालना शुरू किया, उनकी मदद से शिकार करना शुरू किया। कहते हैं कि मुगल शासक अकबर के पास करीब 9000 चीते थे जो शिकार के लिए उपयोग में आते थे। साल 1608 की बात करेंगे, जहां ओरछा के राजा वीर सिंह देव के पास सफेद चीता था। इस चीते के बारे में जहांगीर अपनी किताब तुजुक जहांगीरी में लिखते हैं कि इसके सफेद शरीर पर काले नहीं बल्कि नीले धब्बे थे। कहा जाता है कि इकलौता चीता था, वो भी रिकॉर्डेड सफेद चीता। एक और खास बात, औरंगजेब के समय भी चीतों को पकड़ कर रखा जाता था, जैसा कि आपने तस्वीरों में, फिल्मों में या फिर बाकी जगहों पर देखा होगा। ये बात कही है फ्रांसीसी यात्री जेन दे थिनविट ने अपने दस्तावेज में। चीतों का जो ज्यादातर काम था वो शाही शिकार के समय मदद करना होता था। चीते जैसे जंगली जीवों को कैद करके रखना, यानी उनकी मौत के करीब लेकर जाना था। ब्रिटिश शासनकाल में चीतों का शिकार होने लगा। लोग शौक में या फिर मजबूरी में, सनकपन में शिकार करने लगे। देश की आजादी के बाद उसके एक साल के भीतर ही देश चीतों से भी आजाद हो गया। चीतों की संख्या 9 के बराबर हो गई। छत्तीसगढ़ के एक राजा ने देश में आखिरी बचे तीन चीतों को गोली मार दी थी। ये जानकारी इंटरनेट पर है और उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि भारत के आखिरी तीन चीते 1947 या 48 में मार दिए गए। उनका शिकार हो गया। इनका शिकार किया था मध्य प्रदेश के सरगुजा स्टेट के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने। अब ये इलाका छत्तीसगढ़ में आता है। कहा जाता है कि उनके शिकार की आखिरी तस्वीर और दस्तावेज महाराजा के निजी सचिव ने जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को सौंपे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर यही माना जाता है कि चीतों का शिकार महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने नहीं किया। सदियों तक चीतों के जरिए शिकार का प्रचलन रहा है भारत में। उपयोग में आते थे ये चीते शिकार के दौरान, कभी कभार तो इन्हीं चीतों का शिकार हो जाया करता था। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखा था कि अकबर ने चीतों को पकड़ने के लिए एक नया तरीका इजाद किया था। छिछले गड्ढे खोदे गए, उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक जालीदार दरवाजा लगाने का उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले चीतों को गहरे गड्ढे में गिराकर पकड़ लिया जाता था, लेकिन इससे उनके पैर टूट जाते थे। तब अकबर ने छिछले गड्ढे बनवाए, ऊपर से जालीदार दरवाजे लगवाए। इसके बाद चीतों को शिकार के लिए 3 से 4 महीने में ट्रेंड किया जाता था। जहांगीर ने 1605 से 1627 के बीच चीतों की मदद से 400 एंटीलोप का शिकार किया। इनमें से ज्यादातर शिकार पालम परगना में किए गए, और ये वही पालम परगना है जिसे आज आप पालम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1871 के बाद से ब्रिटिश काल में तो इस बात के भी दस्तावेज हैं कि जिसमें कहा गया कि जो चीतों का शिकार करके लाएगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। सिंध में चीतों के शावकों, यानी चीतों के बच्चों को मारने पे 6 रुपए, और जो बड़े चीते थे
वयस्क चीते उनको मारने के लिए 12 रुपए मिलते थे। ब्रिटिश शासन में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या घटी। तो कुल मिलाकर कहें तो चीता को शिकार स्वतंत्र भारत में भी चीतों का आयात जारी रहा, लेकिन ये सिर्फ चिड़ियाघरों में प्रदर्शन के लिए। 1949 से 1989 तक देश के 7 चिड़ियाघरों में 25 चीते मौजूद थे और ये सभी विदेशों से आए थे। अब एक बार फिर भारत के लिए एक खुशखबरी ही सही और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 74 साल के बाद भारत में चीते लाए जा रहे हैं, जिसके लिए एक स्पेशल विमान नामीबिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।